Morning to all my dear kids. Hope you all are safe and fine at your home. So today I, Garima, your maths teacher from a Smart Indian Model School. Kids, today we are going to start our new chapter, chapter number 5, division. So get ready. Kids, today we are going to do chapter number 5, division. Division का sign होता है हमारा dash and ऊपर two dots. Learning object. After studying this chapter, you will be able to ये इस chapter को read करने के बाद आप लोग क्या क्या सीख जाएंगे? Applying property of division for quick calculation. Property apply करना quick calculation के लिए. डिवाइड अ नंबर यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. डिवाइड करना नंबर को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के से यूज़ करके. डिवाइड अप टू फोर डिजिट नंबर को डिवाइड करना बाय वन और टू डिजिट डिवाइजर से. डिवाइड अ नंबर बाय 10, 100 and 1000 बाय ऑब्जर्विंग द पैटर्न एंड सॉल्व अ रियल लाइफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग डिवीजन. सी this is the lab and these are the doctors. Okay, so there are 5 lab technicians in modern medical lab. 5 lab technicians hain modern medical lab mein. The lab receives on average 150 different samples for testing. Lab ko receive hote hain 150 tak different sample testing ke. If each technician, each means हर एक technician works on an equal number, जब हर एक technician equal number पे samples को test करता है तो how many samples does each technicians work upon? तो हर एक sample, कितने samples पे हर एक technician काम करते हैं. ठीक है, तो ये अब हम पढ़ेंगे कि हम इसको divide कैसे करें. So our first topic is division as repeated subtraction. Division सीखेंगे हम repeated subtraction से. We have learned, हमने learn किया था that division refer to an equal distribution. Division किसको refer करता है? Equal distribution को और an equal sharing of things या फिर equal बराबर में चीज़ें बांटने को हम division बोलते हैं. This can be done by repeated subtraction also. ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से भी हो सकता है. माहिरा, संध्या एंड सिक्स ऑफ देयर फ्रेंड्स हैव 48 बीट्स टू शेयर हैम अमंग देमसेल्फ. माहिरा, संध्या और उनकी सिक्स फ्रेंड्स के पास 48 बीट्स हैं जो वो अपने साथ शेयर करें. लेट अस हेल्प देम टू शेयर द बीट्स इक्वली अमंग देमसेल्फ. उनको हेल्प करते हैं कि वो जो ये बीट्स हैं अपने आप में इक्वली शेयर कर सकें. देयर आर एट चिल्ड्रन हैं. वी कैन स्टार्ट बाय टेकिंग अवर बीट एट अ टाइम. हम 8 बीट्स उठाते हैं और गिविंग 1-1 टू ईच ऑफ द चिल्ड्रन और एक एक बीट हर एक चिल्ड्रन को देते हैं. वी कीप डूइंग दिस टिल वी आर लेफ्ट विद नो बीट. हम ये तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास कोई भी बीट नहीं बचेगी. दिस इज़ हाउ वी कैरी आउट दिस डिवीजन यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. इसी तरह से हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको डिवीजन यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. सी अब यहाँ पे हमारे पास 40 बीट्स कितनी हुई थी? 48. तो हम 48 लिखेंगे और चिल्ड्रन कितने हैं? 8. तो उसमें से माइनस करेंगे 8. तो हमारे पास कितना बचा? 40. हमने मीन्स 8 1-1 बीट जो हैं वो हर चाइल्ड को दे दी तो हमारे पास 48 में से 40 बीट्स बचे. अब 40 माइनस 8, अब दोबारा से हम 1-1 बीट्स देंगे तो वी विल गेट 32. लेफ्ट हमारे पास कितना रह जाएगा? 32. नाउ 32 बीट्स माइनस इज 24. अब 32 में से हमने 1-1 बीट फ्रेंड्स को दे दी तो हमारे पास 24 बचा. सेम यहाँ पे 24 लिखेंगे अब माइनस 8 करेंगे. अब सेम हमने 1-1 बीट सारे बच्चों को दे दी तो 16 बचा. ठीक है, अब 16 बचा. 16 में से भी आप हम 1-1 बीट सबको दे देंगे. 8 फ्रेंड्स हैं तो यहाँ पर 8 ही लिखा जाएगा तो हमारे पास बचेगा 8. अब 8 बीट्स जब हम 8 फ्रेंड्स को दे देंगे तो हमारे पास कितनी बीट्स बचेंगी? 0.
तो आफ्टर द सिक्स्थ राउंड, देखिए कितने राउंड हुए यहाँ पर, 1 2 पीछे हो गए, 3 4 5 6। आफ्टर द सिक्स्थ राउंड देयर वर नो बीट्स लेफ्ट, 6 राउंड के बाद कोई भी बीट नहीं बची थी। इट शो दैट ईच चाइल्ड गॉट 6 बीट, ये हमें बताता है कि हर चाइल्ड को कितनी बीट्स मिली, 6 बीट्स मिली। सो वी कैन से 48 डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, 48 को जब हम 8 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो वो हमें आंसर क्या देगा, 6, और 48 डिवाइडेड 8 इज इक्वल्स टू 6। लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल, वी नीड टू पैक 36। अब हमें एक और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हमें 36 एप्पल्स जो हैं वो 7 बॉक्स में डालने हैं। कैसे करेंगे, देखिए, वी विल पिक 7 एप्पल्स एट अ टाइम एंड पुट 1 एप्पल इन ईच बॉक्स। देखिए यहाँ पे बॉक्स बने हैं 7 और 36 एप्पल हैं, इसमें पहले हमने 7 एप्पल डाल दिए तो हमारे पास 29 बचे। अब 29 में एक और एप्पल डाल दिया हमने तो हमारे पास 22 बचे। 22 में फिर हमने 1 एप्पल डाल दिया, ये देखिए 3 एप्पल्स हो गए, थर्ड राउंड है और 3 एप्पल्स आ गए इसमें, तो हमारे पास 15 बचे। अब 15 माइनस 7 करेंगे, 1 एप्पल और डाल दिया, यहाँ पे 4 एप्पल्स हो गए तो हमारे पास 8 एप्पल बचे। 8 एप्पल हमने फिर 1 1 1 1 करके 7 बॉक्स में डाल दिए तो हमारे पास 1 एप्पल बचा अभी। तो वी सी दैट आफ्टर पुटिंग 5 एप्पल, 5 एप्पल जब हमने 7 बॉक्स में डाल दिए तो वी आर लेफ्ट विद 1 एप्पल, हमारे पास एक एप्पल तब भी बच रहा है। तो 36 डिवाइडेड 7 इज इक्वल्स टू 5 एंड द रिमाइंडर इज 1। देखिए ये जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो होता है 7, वो होता है हमारा डिवाइजर। जिसको डिवाइड कर रहे होते हैं वो होता है डिविडेंड, जो आंसर आता है क्वेश्चन, और जो बच जाता है वो होता है हमारा रिमाइंडर।